नहीं, तो है जब जब शुरू शुरू में नौकरी लगी फाइव स्टार होटल के अंदर, मैनेजमेंट ट्रेनी था, तो बॉम्बे की बात है, हमारे होटल के अंदर एक व्यक्ति आता था जो रोज 1,500 रुपए की दोपहर को एक स्पेशल वाइन आती है वो पिया करता था। एक दिन वो घुस गया सीधा किचन के अंदर और उसने जो चीफ कुक था उसको, एग्जीक्यूटिव शेफ कहते हैं, उसको बुलाया, शॉर्ट में शॉर्ट बता रहा हूँ फटाफट, और उसको बुला के बोला कि कल तूने बनाया जो सब्जी थी बना के बेकार थी। उसने, सर आपको पसंद नहीं आई? बोला, नहीं, मेरे कुत्ते ने नहीं खाई। तो क्या बोलता है वो, हमारा शेफ जो है, कुक जो हेड हेड शेफ है, कम पढ़े लिखे नहीं होते वो, और तनख्वाहें भी जबरदस्त होती हैं, 5-5, 8-8 लाख रुपए महीना। तो बोला, अरे सर चिंता मत करो, क्योंकि रेगुलर क्लाइंट था, आज ऐसी सब्जी बनाऊंगा आपका कुत्ता जरूर खाएगा। तो मैं भी खड़ा था साथ में ही, तो मैंने उससे शेफ से बोला, मैंने कहा आप क्या बात कर रहे हैं, कुत्ता का तो हमारे से ज्यादा कंट्रोल है अपने आप पे, अगर उसका पेट खराब होगा तो उसके सामने कितनी बढ़िया भी सब्जी रख दो, कितना बढ़िया भी खाना रख दो, वो उसको छुएगा नहीं, सूंघ के चला जाएगा, परंतु हम लोग पेट खराब भी होगा तो आने दे, कचौड़ी आने दे, देख लेंगे बाद में, है ना। तो मैंने कहा कुत्ते से कैसे डिसाइड कर रहे हो कि खाना अच्छा बनाए कि नहीं बना। बोलते गलती से कुत्ते के बारे में कुछ मत कह दियो। मैंने, क्यों? बोला, पता है तुझे ये कौन, ये रेस्टोरेंट में जब आता है तो कौन से टेबल में बैठता है? मैंने, कोने वाली टेबल के अंदर, वहां एसी ज्यादा है कम है? मैंने कहा एसी कम है वहां कोने के अंदर। बताऊं क्यों बैठता है? क्योंकि इसको साइनस की प्रॉब्लम है। इसको किसकी प्रॉब्लम है? साइनस की। बाहर जाके देख दो, हम इसके कुत्ते को अंदर नहीं घुसने देते क्योंकि फाइव स्टार होटल है। बाहर दो गाड़ियां खड़ी हैं, एक नॉन एसी एक एसी। एसी गाड़ी के अंदर से कुत्ता बैठा है और नॉन एसी में ये खुद आता है। मैंने कहा बेड़ा गर्क हो गया। बोलता अभी सुनेगा और तुझे आत्महत्या करनी है? मुझसे कहता है शेफ कि तुझे आत्महत्या करनी है? मैं नहीं। बोले तू कर लेगा। मैंने, क्यों कर लूंगा? बोलते हैं इसके कुत्ता जिस घर में रहता है और जिस जो कमरा इसके लिए बनाया गया कुत्ते के लिए, अगर तूने देख लिया तो तू आत्महत्या कर लेगा, क्योंकि हिंदुस्तान के अंदर ऐसे कमरे में मुश्किल से 50 लोग रहते होंगे। इतना बढ़िया कुत्ता आहार उसका है, फाइव स्टार होटल से जा रहा है प्रभु जी, निद्रा क्या रूम है, और बचाओ प्रभु जी। एक दिन शक्ल उतरी हुई थी, हम लोगों को प्रैक्टिस हो जाती है, हम शक्ल देख के बता देते हैं व्यक्ति दुखी है सुखी है क्या है। सर्विस इंडस्ट्री में जब होते हैं तो हमको एक मिनट पता। हमने कहा, मैंने पूछा, मैंने सर क्या हो गया, अंग्रेजी में बात कर रहा था, मैं हिंदी बता रहा हूँ आपको कि क्या हो गया, प्रॉब्लम क्या है, बड़े दुखी लगते हो। बोलते मेरा कुत्ता बीमार है। मैंने, तो दिखा लो किसी को, इतने सारे डॉक्टर हैं या बंबई के अंदर। बोलते मेरे को हिंदुस्तान के किसी डॉक्टर पर विश्वास नहीं, मुझे अपने कुत्ते को पेरिस भेजना पड़ेगा। आप ये बताइए हम में से कितने लोग अपने आप को पेरिस में इलाज के लिए भेज ले जा सकते हैं? वो कुत्ता जाता है, बचाव है ना प्रभु जी। बचाव का मतलब क्या? इंश्योर करना अपने आप को, बचाव करना हर चीज से, कम घर रखना। मैथुन की तो बात ही मत करिए, क्योंकि शादी आजकल तो हमारे जयपुर के अंदर भी लोग पागल कहीं के बेवकूफ लोग कुत्ते कुत्ती का ब्याह कराते हैं। मैं साफ स्पष्ट रूप में कहता हूं प्रभु जी, जो गधा है वो गधा है, मेरा काम नहीं है मक्खन मारना उसको। मैं इसलिए क्लेम पूरे मुंबई दिल्ली हर जगह पूरे भारतवर्ष में मैं लेक्चर के लिए इसलिए फेमस हूं, मुझे AK-47 कहते हैं लोग। मैं स्पष्ट बात करता हूं, मेरे को मक्खन मारने की आदत नहीं है, मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए। मुझे किसको खुश करना है? राधा गोविंद देव जी को। मैं यहां आपको खुश करने नहीं आया, क्योंकि मैंने अगर उनको खुश कर दिया तो आपके जीवन में भी आनंद ही आनंद आ जाएगा, और अगर मैंने आपको खुश करने की कोशिश करी तो आपका जीवन बर्बाद हो जाएगा। तो इसलिए इस बात को समझिए। तो फिर क्या है विशेषता? विशेषता यह है प्रभु जी कि जानवर भी आनंद लेता है, परंतु मनुष्य यह सोचना चाहिए उसको कि मेरे को आनंद आता है फिर चला क्यों जाता है, मेरा आनंद हर टाइम क्यों नहीं रहता। यह कौन सोच सकता है? मनुष्य सोचता है। किस लिए ऐसा हो रहा है कि जीवन में जो आनंद आ भी रहा है यह टेंशन के साथ आ रहा है, यह जानवर नहीं सोच सकता। तो इसीलिए वो किसको करता है? धर्म। अब मैं आपके साथ धर्म की चर्चा करूंगा। आप में से आप बैठे हुए 99% लोगों को धर्म की परिभाषा भी मालूम नहीं होगी, मैं स्पष्ट रूप से बता रहा हूं आपको। तो इस मनुष्य शरीर के अंदर आप क्या प्राप्त कर सकते हैं? आप एक स्पेशल ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। कौन सा ज्ञान? स्पेशल ज्ञान। और आज आप इकट्ठे हुए हैं वही स्पेशल ज्ञान लेने के लिए। ध्यान रखिएगा, ये आहार निद्रा भय मैथुन का ज्ञान तो हर जगह मिलता है प्रभु जी, तो यहां आप जो इकट्ठे हुए हैं वो एक स्पेशल ज्ञान लेने के लिए उठे हैं। आप उस स्पेशल ज्ञान के लिए, अब वो क्या है? चलते हैं आगे। प्रॉब्लम ये है प्रभु जी, आप लोग सब आनंद चाहते हो, परंतु मैं आपको कुछ बताऊं, आपने अभी तक जीवन में किसी ने भी आनंद को नहीं चखा है। हम जिसको आनंद या सुख मानते हैं प्रभु जी, मैं ज्यादा इसे परिभाषा नहीं कर रहा कि सुख ये होता है और आनंद ये होता है, अभी आप दोनों को सेम समझ के चलिए, ज्यादा डिटेल में मत जाइए अभी,
पहले सिंपल सिंपल चलते हैं, डिटेल में बाद में बात कर लेंगे। एक चीज समझिए इस बात को, मैं जो कह रहा हूं उसको ध्यान रूप सुनिएगा। हम में से किसी ने भी, मैं अपनी बात नहीं कर रहा, जब मैं हम कह रहा हूं तो उसमें हो सकता है कुछ आप में से, अगर लाख लोग में से एक व्यक्ति ने चखा हो, तो प्रभु जी अंग्रेजी में कहावत है एक्सेप्शन डज नॉट मेक रूल, अपवाद कानून नहीं बनवाता। कि जैसे कि लाल बत्ती की गाड़ी रेड लाइट को क्रॉस कर सकती है, उसको मतलब सारी गाड़ियां नहीं कर सकती, वो एक अपवाद है, एक एक्सेप्शन है। हम जिसको सुख समझते हैं, हम में से किसी ने असली शुद्ध सुख को अभी तक अनुभव नहीं किया। आपने जिस सुख को अनुभव किया है वो हकीकत में दुखों की कमी है। ध्यान पूर्वक सुनिएगा, कैसे? आपकी एक इच्छा पूरी हो गई, आप कहते हो वाह मजा आ गया, परंतु अभी तो इतनी इच्छाएं हैं जो पूरी नहीं हुई लाइन में उस टाइम। उसका मतलब 100 इच्छाएं थी, उसमें से एक पूरी हो गई तो कितनी रह गई? और आपने कहा मैं सुखी हो गया। 100 प्रॉब्लम क्यू में है, 100 प्रॉब्लम क्या है प्रभु जी? क्यू में है, एक प्रॉब्लम हल हो जाती, कहते सुखी हो गया। कहां सुखी हो गया? 99 अभी लाइन में है। ये उसी तरीके से एक व्यक्ति जिसको 106 बुखार है, उससे पहले दिन मिलने गए, क्या हाल है? अरे बुरी हाल। और अगले दिन गए, 104 बुखार है, कैसा है? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। अबे अच्छा कहां है, 104 है अभी। समझ में आ रहा है प्रभु जी? हम दुखों की कमी को सुख मान लिए हैं, दुखों की कमी को हमने सुख माना है। शुद्ध सुख, जिस समय शुद्ध सुख है, वो हमने किसी ने भी अनुभव अभी नहीं किया। मनुष्य जीवन में उस शुद्ध सुख को प्राप्त कर सकते हैं, और उसको प्राप्त करने का तरीका है, उसी को धर्म कहते हैं। क्या कहते हैं? धर्म। जब ये अगले दो पंक्तियां जो इस श्लोक की हैं, आहार निद्रा भय मैथुनम च सामान्यम एतत् पशु भीर नराणाम, सामान्य पशु में और नरों में, अगला क्या है? धर्महीना ते पशु भी समाना, जो धर्म से हीन है वो पशु के समान है। अब वो धर्म क्या है, अभी चर्चा करते हैं। हम लोग एक बात पे जो आए वो ये आया कि हमने एक जो नतीजा निकाला है वो निकाला कि ज्ञान से क्या मिलता है प्रभु जी? सुख। और अज्ञानता से क्या मिलता है? दुख। पिछले 200 सालों में ज्ञान बढ़ा है कि कम हुआ है? बढ़ा है। निष्पष्ट रहिए, बिल्कुल क्लियर रहिए, इसमें कंफ्यूजन मत करिए। सिर्फ पूछ रहा हूं मैं आपसे, पिछले 200 सालों में ज्ञान बढ़ा है कि कम हुआ है? दुख कम हुआ है कि बढ़ा है? कमाल है, आप तो प्रैक्टिस करके आए हो बढ़ा को बोलने के लिए। ये तो बड़ा अजीब हो गया प्रभु जी। पिछले 200 सालों में ज्ञान बढ़ा है और साथ में क्या बढ़ा है? दुख भी बढ़ा है। और हमने अभी बात पे सभी बात हमने बात मानी थी कि ज्ञान से सुख मिलता है और अज्ञानता से। अरे तेरे की, ये तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई कहीं, ये तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई प्रभु जी। कि ज्ञान बढ़ा है तो फिर दुख क्यों बढ़ा? ज्ञान बढ़ने से तो दुख नहीं बढ़ना चाहिए, ज्ञान बढ़ने से तो सुख बढ़ना चाहिए, परंतु सुख बढ़ा तो है नहीं, तो उसका मतलब तो प्रभु जी गड़बड़ हो गई। या तो हम एक बात कह सकते हैं कि ये ज्ञान ही नहीं है, क्योंकि अगर ज्ञान होता तो क्या देता? सुख देता। परंतु प्रभु जी ये बोलना कि ये ज्ञान नहीं है, ये भी गड़बड़ हो जाएगी, है ना? पंखा चल रहा है, हवा ले रहे हो, उसका मतलब दुख तो कम कर रहा है परंतु सुख नहीं दे रहा। ध्यानपूर्वक सुनिएगा, दुख तो कम कर रहा है परंतु सुख नहीं दे रहा। जब भी आप लोग कहते हो दो शब्द सुख सुविधा, क्या कहते हो? दोनों शब्द अलग हैं प्रभु जी। सुख पहले बोला गया और सुविधा बाद में बोली गई है, उसका मतलब सुविधा सुख पे निर्भर, सुख जो है वो सुविधा पे निर्भर नहीं है। सुविधा बढ़ने का मतलब नहीं कि आप सुखी हो जाओगे, सुविधा बढ़ने का मतलब यह कि कुछ दुख कम हो जाएंगे, परंतु उसका अर्थ नहीं कि सुख हो जाओ सुखी हो जाओगे। सुख अलग शब्द है और सुविधा अलग शब्द है। हम लोग जोड़ देते हैं कि अरे सुविधा आ गई तो सुख भी आ जाएगा। नहीं नहीं, इनकम टैक्स रेड हो गया और एयर कंडीशन रूम में आ गए गर्मी से, ओहो गर्मी से तो बचे परंतु बेटा रेट तो चालू है, हैं? बताइए,
हाँ गर्मी से उस सुविधा ने गर्मी से तो कुछ तरह हाथ पहुंचा दी, परंतु जो असली चल रहा है उससे क्या होगा। परंतु प्रभु जी जो हमने बात करी कि हमें तो मानना पड़ेगा कि ये ज्ञान जो है, ये ज्ञान तो है ना प्रभु जी। इतना बोलना कि देखो लाइट है, मैं माइक में बोल रहा हूं, आप आराम से इतने दूर तक सुन रहे हैं, नहीं तो पहले शिष्य कितने होते थे गुरु के, 25-30-40। क्यों? क्योंकि उतनी दूर तक आवाज जाती थी, उससे ज्यादा आवाज ही नहीं जाए, बेचारा सुनेगा कैसे, वो पीछे बैठे हैं वो कैसे सुनेंगे, वो सुन ही नहीं सकते। तो मतलब ये ज्ञान तो है, परंतु ये ज्ञान ऐसा ज्ञान है कि ये दुख दे रहा है। तो अब इसका दूसरा उत्तर क्या होगा कि ये ज्ञान पूर्ण नहीं है। दूसरा उत्तर क्या हो सकता है कि ये ज्ञान पूर्ण नहीं है, और ये ज्ञान इतना अपूर्ण है कि जो ज्ञान इसमें से मिस हो रहा है, जो निकला हुआ है, उसके बगैर ये बेकार है। जैसे कि प्रभु जी आप किसी से मिलने जाएं और आप कहेंगे यार मेरा कुछ चेक वेक दे दे मुझे, तो जीरो लिखना शुरू करें, 1 0 2 0 3 4 5 6 7 8 9 10। आपका दिल की धड़कन क्या होगी प्रभु जी, अरे वाह अरे वाह। और उसके बाद उसके वो सामने कोई अंक नहीं लगाया, सब करा कराया पानी है जी। तो ये जो ज्ञान है ना वो इसी तरीके से है, इतने सारे जीरो इकट्ठे कर लिए परंतु अंक नहीं, तो ये ज्ञान क्या हुआ प्रभु जी। परंतु अगर जो ज्ञान हम कह रहे हैं ये अपूर्ण है, तो इसकी जो पूर्ण करेगा वो ज्ञान इतना श्रेष्ठ है कि उसको लगाते ही ये सारे जीरो को क्या मिल गई, वैल्यू है प्रभु जी। इसमें सब में क्या आ गई, पावर आ गई, सब में आ गई वैल्यू आ गई प्रभु जी लगाते ही। मैं जब भी मजाक में कहता हूं कि ये उसी तरीके से है ये ज्ञान जैसे कि आधी पकी आधी कच्ची रोटी, भूख लगी आधी पक्की आधी कच्ची रोटी खाओगे तो क्या होगा, उस टाइम करोगे आ हा हा हा, और एक घंटे बाद क्या करोगे आ, शुरू में तो मजा आएगा कि पेट भर गया, एक घंटे बाद जब कच्ची रोटी अंदर क्या करेगी प्रभु जी, पेट दर्द करेगी। इसी तरीके से ये भौतिक है, इसी तरीके से जो ज्ञान है ये शुरू में तो बड़ा अच्छा लगता है, परंतु बाद में क्योंकि ये अपूर्ण है ये क्या देता है, दुख देता है। सही बात है गलत बात है बताइए। तो अब आते हैं ये जानने के लिए कि ये ज्ञान जो मिसिंग है, जो इससे अलग हुआ हुआ है, जो इसको